पंजाब में कम होते कोरोना के केसों के बीच चन्नी सरकार ने कोरोना बंदिशों में थोड़ी ढील दी है। पंजाब में अब इंडोर कार्यक्रम में 300 और आउटडोर कार्यक्रम में 500 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन भी करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। अब रोजाना 50,000 तक कोरोना की टेस्टिंग करनी होगी। पंजाब में भी कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बीच जारी बंदिशों में चन्नी सरकार ने थोड़ी ढील दी है। पंजाब में अब इंडोर कार्यक्रम में शामिल होने की संख्या 300 कर दी गई है, जो अब तक 150 थी, और खुले में होने वाले कार्यक्रमों में अब 500 लोग शामिल हो सकेंगे। अब तक खुले में होने वाले कार्यक्रमों में 300 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी। हालांकि इन छूटों के साथ कोरोना के बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करते हुए छात्रों से कक्षाओं में आने को कहा है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्धारित कोविड सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र को फिर से खोलने के निर्देश दिए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए सीएम चन्नी ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाते हुए रोजाना 50,000 करने के भी आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बताया गया कि बीते एक हफ्ते में पंजाब में कोरोना के कुल 232 मामले सामने आए हैं, जो औसतन रोजाना 33 मामले बनते हैं। साथ ही प्रदेश में इस वक्त रोजाना 25,000 से 30,000 कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। स्कैनिंग ग्लोबल रिपोर्ट।